प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हिबास क्लोजेट। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके लिए ये बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही हटके होने वाला है। आज का कलेक्शन ये है रमशा का प्योर शिफॉन वॉल्यूम, हमारे पास ओरिजिनल है और 9 पीसेस का सेट है ये मेरे पास। बड़े ही खूबसूरत डिजाइन है, काफी हैवी है, तो ईद का स्पेशल कलेक्शन है ये। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 9 पीसेस है टोटल हमारे पास। तो फर्स्ट मैं आपको ये गोल्डन सूट दिखाऊंगी विद ब्राउन दुपट्टा। ओके, तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, दिस इज डिजाइन नंबर 1। तो मेंशन, ये कोड मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। ये डिजाइन नंबर 1 हो गया, प्योर शिफॉन पर है। सबसे पहले तो मैं आपको देखिए इसकी ये प्योर क्रेप में ट्राउजर दिखा देती हूँ, जो कि मैं इनर की तरह यूज करूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर लुक आपको पता चलेगा। तो ये आप प्योर शिफॉन का प्योर क्रेप पे ट्राउजर देख लीजिए, फुल फैब्रिक का है। अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देती हूँ सूट का। तो अब आप ये चेक कर लीजिए इसका फ्रंट, ये देख लें, दिस इज डिजाइन नंबर 1। ये देख लीजिए, तो ये प्योर शिफॉन है फैब्रिक, इसकी शर्ट का फैब्रिक प्योर शिफॉन है। काफी हैवी सूट्स है इसमें, बैक भी हैवी है, फ्रंट भी हैवी है, स्लीव भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दी है। तो ये देख लीजिए, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, जरी का वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, रेशम भी है। तो ये पूरा आप हैवी एम्ब्रॉयडर्ड देख रहे हैं। अब आप ये भी चेक कर लीजिए, मिडिल पूरा पैनल है, ये पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। उसके बाद आप ये दामन देख लीजिए, तो दामन भी बहुत ही ज्यादा हैवी दिया हुआ है। और काफी एक्सक्लूसिव कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। अब मैं इसकी पैचेस दिखा देती हूँ। तो पहले आप पैच देख लीजिए, ये आप देख लें इसका एक पैच जो कि दामन पे लगेगा, ठीक है। ये दामन वाला पैच हो गया, सॉरी, ये वाला जो पैच है ना, ये जो पैच है ये दामन वाला पैच हो जाएगा, ठीक है। ये दामन पे आप लगवा सकते हैं ये वाला पैच अपना, ये और ये भी एक पैच है, तो ये भी आप लगवा सकते हैं। आप अपने बॉस है, आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी पैचेस दिए हुए हैं, तो वो आप स्विच भी कर सकते हैं, पैचेस जो आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां भी कर सकते हैं। तो दो पैच ये हो गए। अब ये देख लीजिए, ये आप ट्राउजर पे लगा सकते हैं, ये दो पैच दिए हुए हैं, एक ही में ज्वाइंट दिए हुए हैं पैच। ओके, अब मैं आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ, ठीक है। बैग भी बहुत हैवी दी हुई है इन्होंने, तो ये आप बैग चेक कर लीजिए, काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैग है, पूरी ये हैवी देख रहे हैं आप, जो पूरा सब एम्ब्रॉयडरी हो रही है ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैग हो गई। अब मैं स्लीव्स दिखा देती हूँ, स्लीव्स भी बहुत ज्यादा इन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दी हुई है, तो ये आप चेक कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत सी और हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है, काफी फैब्रिक है स्लीव्स में, तो ये देख लें। और ये है इसका नेट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन, देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ है, ये देख लीजिए। तो ये जो बेल लगी हुई है, एक तरफ ऐसी बेल है, ठीक है, बीच में बूटे पड़ रहे हैं, और ये जो दूसरी तरफ दो बेलें दी हुई हैं, तो आप इसको कट कर करके ये बेल आप कहीं भी लगवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा जब ये लगेगा सूट, अगर आप इसमें किरण लगवा लें पूरे चारों तरफ, तो इस सूट में और भी ज्यादा खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, तो ये और भी प्यारा लगेगा। तो ये आप चेक कर लीजिए, इसका पूरा दुपट्टा बड़ा खूबसूरत 2.5 मीटर का दुपट्टा है, नेट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट में एक पैच देखिए, यहाँ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये नीचे रह गया था, तो एक पैच और देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको काफी पैचेस मिल रहे हैं। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 1 हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन नंबर 2, ये देख लें, ये सिल्क दुपट्टे के साथ दिया हुआ है। तो पहले तो आप इसका मॉडल पिक्चर देख लीजिए डिजाइन नंबर 2 का। अब मैं आपको पहले इसकी शलवार दिखा देती हूँ, ठीक है। प्योर क्रेप में इसकी शलवार दी हुई है, फुल फैब्रिक होता है, तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गई शलवार। अब आप इसका फ्रंट देख लें, बैक देख लें, ये देख लीजिए, काफी हैवी फ्रंट दिया हुआ है, ये देख लीजिए हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट, पूरा जो आप देख रहे हैं हैवी एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस वर्क है, जरी है, रेशम है पूरा, ठीक है। अब आप इसका मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, कितनी खूबसूरत और डिफरेंट शेड है, ये भी बिल्कुल लाइट शेड है और बहुत डिसेंट शेड है, बहुत ग्रेसफुल लगेगा पहनने के बाद। तो ये देख लें, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद ये देख ली दामन पे कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, पूरा रेशम और जरी है ये। उसके बाद मैं आपको इसकी पैचेस दिखा देती हूँ कि पैचेस भी बड़े हैवी है, बहुत खूबसूरत दिए हुए हैं, जिस हिसाब से रेंज है इनकी और ओरिजिनल है ये सूट, उस हिसाब से बहुत अच्छी रेंज दी हुई है। तो ये देख लीजिए, एक पैच आपको ये मिल रहा है इसमें, ठीक है, ये आप दामन पे लगवा लेंगे। दो पैचेस आपको साथ में ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया खूबसूरत सा, ओके। और एक पैच आपको ये मिल रहा है, तो ये आप ट्राउजर पे लगवा सकते हैं, स्लीव पे लगवा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, पैचेस सब जरी से हैं, सारे पैचेस ऑर्गेन्जा के ऊपर हैं,
अब मैं आपको इसकी स्लीव दिखा देती हूँ, तो आप स्लीव चेक कर लीजिए। बहुत हैवी स्लीव दी हुई है, काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है स्लीव। ये देख लो, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव है। और ये है हैवी एम्ब्रॉयडर्ड इसकी बैक, बड़ी खूबसूरत बैक दी हुई है, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये जाल देख ले आप, पूरा जाल बन रहा है एम्ब्रॉयडरी से। तो ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैक हो गई। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, इसमें सिल्क दुपट्टा दिया हुआ है, 2.5 मीटर का सिल्क दुपट्टा है। बड़ा ही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये दुपट्टा दिया हुआ है, तो ये आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देख लें, 2.5 मीटर का है पूरा। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 2। अब चलते हैं अपने डिजाइन नंबर 3 की तरफ, जो कि डार्क शेड है, पर्पल शेड है। ये देख लें हमारा डिजाइन नंबर 3, ये देख लीजिए। ये प्योर क्रेप पर देखिए ट्राउजर है, ट्राउजर मैंने दिखा दिया आपको। अब इसकी आप पहले तो शर्ट देख लें, फ्रंट देख लीजिए, फिर बैक देख लीजिए। ठीक है, काफी हैवी सब दिया हुआ है, सारी चीजें हैवी हैं, बड़ा ही अच्छा कलेक्शन है ये, रेंज वाइज बहुत अच्छा है। तो ये आप देख लें, दिस इज डिजाइन नंबर 3। ये देख लीजिए, पूरा हैवी है, जो भी देख रहे हैं आप, सब हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, सीक्वेंस वर्क है, जरी है, रेशम है। तो ये आप देख लीजिए कितना हैवी इन्होंने ही पूरा एक एम्ब्रॉयडरी दी हुई है सब। ये देख लीजिए पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, ये सब हैवी एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, और ये दामन वाला पार्ट हो गया। ओके, अब इसके पैचेस देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या दिया हुआ है पैचेस में। तो ये दामन वाला पैच दिया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा पर्पल शेड में। एक ये पैच इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, आप देख लीजिए पैचेस की क्वांटिटी बड़ी अच्छी दी हुई है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये दोनों पैचेस हैं, आप स्लीव पे लगवा सकते हैं, ट्राउजर पे लगवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब मैं आपको इसका इसकी बैक दिखा देती हूँ, पहले तो स्लीव चेक कर लीजिए। तो ये स्लीव का फैब्रिक हो गया, स्लीव भी बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर दी हुई है, और जरी से पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, रेशम से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और ये हो गया इसका बैक, तो बैक भी काफी हैवी एम्ब्रॉयडर दी है, ये देख लें। ठीक है, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है बैक पे, जाल बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, और प्योर शिफॉन में इन्होंने ये दुपट्टा दिया है, 2.5 मीटर का पूरा, बीच में बूटे बने हुए हैं, और दोनों साइड इन्होंने काफी हैवी बेल दी है। तो ये आप बेल चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 3, खूबसूरत सा 2.5 मीटर दुपट्टे के साथ। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 3। देन चलते हैं डिजाइन नंबर 4 की तरफ, जो ब्लू शेड में दिया हुआ है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये है डिजाइन नंबर 4। ये देखें, दिस इज डिजाइन नंबर 4, मेंशन कोड जरूर कर दीजिएगा, डिजाइन नंबर 4। ओके, बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन। पहले आप इसका ट्राउजर चेक कर लें, डार्क लाइट के कॉम्बिनेशन के साथ सूट्स दिए हुए हैं, इसीलिए बड़े खूबसूरत और अपीलिंग लग रहे हैं। ये देख लें इसकी ट्राउजर, प्योर क्रेप पर है। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है इसकी, ये देख लें, ब्लू शेड है, ब्लू के साथ लाइट शेड का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, तो ये देख लें, ये देख लीजिए डिजाइन नंबर 4, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, सीक्वेंस जरी सब कुछ है इसके अंदर, ये देख लें आप। और ये मिडिल पैनल देख लीजिए, पूरी सब जो देख रहे हैं आप हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और ये दामन वाला पार्ट हो गया, तो ये दामन का पार्ट भी काफी हैवी दिया हुआ है। अब पैचेस दिखा देती हूँ आपके, आपको लाइट शेड में देखिए पैचेस दिए हुए हैं। तो एक तो दामन वाला पैच हो गया ये, ठीक है, खूबसूरत से दामन का पैच दिया हुआ है, ये काफी हैवी पैच दिए हैं, ये आप स्लीव पे लगवा सकते हैं, बैक पे लगवा सकते हैं, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। एक पैच ये दिया हुआ है, ये देख लें, काफी हैवी पैच है। अब मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ, ये हो गई स्लीव्स, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं ये, स्लीव चेक कर लीजिए, पूरा जाल बना हुआ है स्लीव्स पे भी, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये तो एम्ब्रॉयडरी नजर ही आ रही होगी, बट ये भी सब पूरा जाल बना हुआ है। और ये हो गया जाल की, इन्होंने बैक दे दी है जाल में, काफी हैवी जाल है। तो और जो पैच है ना, वो आप पीछे बैक पे भी लगवा सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। अनस्टिच सूट है, तो साइज का भी इशू नहीं होने वाला है, सेमी स्टिच नहीं है, सेमी स्टिच सूट में थोड़ा सा साइज का इशू आ जाता है, बट इन सूट में नहीं आता है। तो ये आप देख लीजिए, इसकी पूरी बैक जाल के साथ इन्होंने बैक दी है, और लाइट शेड में इन्होंने सबसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये डार्क और लाइट का, तो इन्होंने ये लाइट शेड में प्योर शिफॉन का 2.5 मीटर का दुपट्टा दिया है। ये पहले तो आप इसकी ये वाली बेल चेक कर लीजिए एम्ब्रॉयडरी की, ठीक है। जब आप इन सूट दुपट्टों पे अगर बेल लगवा लेंगे ना, तो सारे दुपट्टे बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो ये देख लें, 2.5 मीटर का दुपट्टा,
ये देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया डिजाइन नंबर 4। अब नेक्स्ट है हमारा डिजाइन नंबर 5। डिजाइन नंबर 5 ये लाइट शेड दिया हुआ है ऑरेंज के साथ सिल्क दुपट्टे के साथ। सिल्क दुपट्टे भी काफी फैशन में है आजकल। तो ये देख ले आप इसका ट्राउजर, 2.5 मीटर का फुल ट्राउजर है। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ, या आप देख लें इसकी शर्ट। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 5। ओके, ये देख लीजिए पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, सब जरी सीक्वेंस ये सब वही है, प्योर शिफॉन फैब्रिक के ऊपर। मिडिल पैनल काफी हैवी दिया हुआ है, फिर आ गया ये दामन वाला पोर्शन बहुत हैवी दिए हुए हैं, उसके बाद ये पैचेस आ जाते हैं सारे इसके। तो पैचेस चेक कर लें, बड़े खूबसूरत से ये पैचेस दिए हुए हैं। अब एक पैच ये है, ये आप कहीं भी लगवा सकते हैं अकॉर्डिंगली जहां चाहें। ये दो पैच दिए हुए हैं, ट्राउजर पे भी लगवा सकते हैं। एक ये पैच दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए बड़े खूबसूरत से इन्होंने ये पैच दिए हुए हैं सारे। ये सारे पैचेस हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए इसकी बैक, बैक में भी सब में जाल बना हुआ है, काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैक है सारी। तो ये बैक हो गई, ठीक है। स्लीव दिखा देते हैं, स्लीव भी बहुत हैवी दी हुई है। ये देख लीजिए स्लीव्स, ठीक है, काफी हैवी पूरा जाल बना हुआ है स्लीव्स पे। तो ये आप देख लें एक बार, ठीक है, क्लोजर लुक देख लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने देखिए प्योर सिल्क में दुपट्टा दिया है, आजकल सिल्क के दुपट्टे बहुत ही फैशन में है। तो ये देख लीजिए, इससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट लुक आएगा, बहुत ही ग्रेसफुल लुक आएगा। तो ये देख लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिजाइन नंबर 5। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अपना डिजाइन नंबर 6, जो कि ओनियन शेड में है। ओनियन शेड तो नहीं है, बट कुछ काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, है पर्पल शेड में ही आएगा ये, ठीक है। तो ये डिजाइन नंबर आपका 6 है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको उसकी ट्राउजर ही दिखाऊंगी। तो ये आप ट्राउजर चेक कर लीजिए, फुल फैब्रिक 2.5 मीटर। तो ये ट्राउजर हो गया। देन फिर शर्ट दिखा देते हैं इसकी, हैवी एम्ब्रॉयडर शर्ट है, ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा शेड है, पर्पल ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये देख लें लाइट पर्पल। तो ये देख लीजिए पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर देख रहे हैं आप, सब जरी की एम्ब्रॉयडरी, रेशम से एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क। ये मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, तो ये मिडिल पैनल है, बहुत ही खूबसूरत सा ये मिडिल पैनल दिया हुआ है। और हैवी एम्ब्रॉयडर देखिए, इसका दामन दिया है, कितना हैवी, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर दामन है इसपे। अब मैं आपको इसके पैचेस वगैरह दिखा देती हूँ कि हमें कितने पैचेस मिले हुए हैं, क्या है, तो आप चेक कर लीजिए। तो ये दो पैच तो देखिए आपके ऐसे हैं, वो आप स्लीव पे या ट्राउजर पे जहां चाहे, बैक पे चाहे लगवा सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारी फ्रंट का पैच, ठीक है, शर्ट के फ्रंट का पैच हो जाएगा ये। एक पैच आपको ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है, काफी पैचेस है साथ में। और मैं आपको इसकी बैक दिखा देती हूँ, तो बैक पे भी जाल बना हुआ है पूरी बैक पे, ये देख लें, जाल है पूरी बैक पर, ये देख लीजिए, काफी हैवी जाल बना हुआ है, पूरा सेम जाल है। अब मैं स्लीव दिखा देती हूँ एक बार, स्लीव चेक कर लीजिए, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव दी हुई है, ये देख लें, काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब हो गया इसका दुपट्टा, ठीक है, प्योर शिफॉन में, और दोनों साइड देखिए ये लेस बन रही है दुपट्टे पे, बीच में ये बूटे बन रहे हैं, लेस चेक कर लीजिए दोनों साइड, पल्लू पे लेस नहीं है। और जब आप इनपे जो रेडीमेड लेसेस आती हैं वो लगवा लें आप, तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये दुपट्टे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 6। अब हमारा डिजाइन नंबर 3 डिजाइन और रहते हैं, तो वो भी जल्दी से फिनिश कर देती हूँ। ये वाइट में है, तो इस पूरे कैटलॉग में लाइट डार्क शेड सारे, ब्राइट शेड सब मिलेंगे। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 7 चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पहले तो अगेन मैं इसका दिखा देती हूँ ट्राउजर, और व्हाइट तो हमेशा सब पे ही अच्छा लगता है, व्हाइट और ब्लैक ऐसे कलर्स होते हैं कि हर कोई उसमें बड़ा खूबसूरत अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गई इसकी ट्राउजर। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्योर व्हाइट वाला कलर है ये देख लें, बहुत खूबसूरत सूट है।
तो ये देख लीजिए हमारा डिजाइन नंबर 7 व्हाइट शेड में विद गोल्डन एंड ब्राउन एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस वर्क, ये जो देख रहे हैं आप जरी रेशम, ये पूरा सीक्वेंस वर्क प्लस ये बूटे भी पड़ रहे हैं बड़े खूबसूरत से। तो ये मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है मिडिल पैनल, ठीक है। और ये हो गया दामन, ये पूरा सब हैवी एम्ब्रॉयडरी पूरी दी हुई है। अब मैं आपको उसके पैचेस जल्दी से चेक करा देती हूँ। तो पैचेस बड़े ही हैवी दिए हुए हैं, आप चेक कर लें, बड़ी खूबसूरत सी है इन्होंने, ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड इसकी, इसका दामन का वाला पैच है ये, ठीक है, दामन वाला एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। तो ये देख लीजिए कितना हैवी है पैच, काफी हैवी दिया हुआ है। एक पैच इन्होंने ये दिया हुआ है, तो ये आप लगवा सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक पैच ये हो गया, प्लस ये टू पैचेस का दिया हुआ है, ठीक है। स्लीव पे लगवा लें, कहीं भी लगवा लें, आपके अकॉर्डिंगली कहीं भी लग सकता है ये, आपकी विश के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक पैच आपका ये दिया हुआ है, काफी पैचेस है, और ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पैच भी दिया हुआ है, एक बार मैं देख के बता देती हूँ कि ये पैच कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये पैचेस भी दिए हुए हैं, स्लीव पे चाहे स्लीव पे लगवा लें, फ्रंट पे आ जाएंगे, ये स्लीव के ही दिए हुए हैं, एक स्लीव पे ये लगेगा, एक स्लीव पे ये लगेगा। अब मैं आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ। तो पहले तो प्योर व्हाइट में जाल के साथ आप इसकी बैग चेक कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत बैग दी हुई है, जाल बना हुआ है पूरी बैग पे, तो ये बैग हो जाएगी। प्लस मैं आपको सेम जैसी बैग है वैसे ही स्लीव्स इन्होंने दी हैं, तो आप प्लीज इसकी स्लीव्स भी चेक कर लीजिए, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है और स्लीव के पैच दिए हुए हैं। और ये गोल्डन शेड में देखिए प्योर शिफॉन में इसका दुपट्टा दिया हुआ है, इस पर नेट दुपट्टा नहीं है ना ही इस पर सिल्क दुपट्टा है, तो आप इसकी प्योर शिफॉन का खूबसूरत सा देखिए, बिल्कुल डिफरेंट शेड है। और ये मॉडल पिक में इतना नहीं पता चल रहा है जितना ये खुलने के बाद सामने खूबसूरत लग रहा है। तो ये देख लीजिए, एक तरफ इन्होंने हैवी बेल दी है, देखिए दिखा देती हूँ, एक तरफ ये हैवी बेल है और एक तरफ इन्होंने ये लाइट बेल दी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए 2.5 मीटर का दुपट्टा है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 7, लास्ट 2 सूट्स रहते हैं, तो जल्दी से उनको कंप्लीट कर लेते हैं सूट्स को। 3 सूट्स और रहते हैं, तो ये देख लें डिजाइन नंबर 8, ये देख लीजिए डिजाइन नंबर हमारा 8। पहले तो मैं इसका ट्राउजर दिखा देती हूँ, ये देख लें इसका ट्राउजर, सूट ज्यादा है तो टाइम भी इसलिए ज्यादा लग रहा है, तो ट्राउजर देख लीजिए आप, ठीक है। फिर मैं अब आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ, डिटेलिंग देना तो उसमें देखिए टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली, ताकि आप लोगों को भी सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से, हमारी पूरी कोशिश होती है। तो ये देख लीजिए आप इसका फ्रंट, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट देख रहे हैं, सीक्वेंस वर्क, जरी रेशम सब है। अब आप इसका मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, तो ये मिडिल पैनल हो गया, ठीक है। और दामन वाली हैवी एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए कितनी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, पूरा ये दामन भी है, रेशम जरी सब कुछ है इसके अंदर। फिर मैं जल्दी से पैचेस भी दिखा देती हूँ, तो आप ये देख लीजिए ये दामन का पैच दिया हुआ है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैच है काफी, तो ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैच देख लीजिए। एक पैच, दो पैचेस इन्होंने ये दिए हैं, एक में ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। एक पैच इन्होंने ये दिया हुआ है, तो वो आप ट्राउजर पे लगवा सकते हैं, दामन बैक के दामन पे लगवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी स्लीव दिखा देती हूँ, स्लीव देखिए कितनी खूबसूरत दी हुई है, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव है, पूरा जाल है साथ में, और ये कितने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड इसके नीचे स्लीव पर आएगा, ठीक है। अब बैक वही जाल वाली बैक है सबकी, किसी में भी बैक प्लेन नहीं है, प्लस बैक का पैच भी दिया हुआ है दामन का। तो ये आप देख लीजिए इसका बैक, ठीक है, बैक हो गई है। और पर्पल शेड में इसका खूबसूरत सा देखिए दुपट्टा दिया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, ये देख लें डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बेल देखिए इसकी बूटों के साथ 2.5 मीटर में, देखिए इसका दुपट्टा है, तो आप बेल एक बार देख लीजिए क्लोजर लुक, और प्लस ये बूटे भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 8, ठीक है। दो डिजाइन और रहते हैं, डिजाइन नंबर ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक, ब्लैक तो जान होती है हर पार्टी की, तो ये देख लीजिए। अब जल्दी से इसका हम ट्राउजर दिखा देते हैं, ट्राउजर चेक करिए, ये देख लें इसका ट्राउजर, ठीक है, ये हो गया इसका ट्राउजर, फुल फैब्रिक है, मैंने पूरा ओपन नहीं करा है। अब मैं आपको इसका इसकी हैवी देखिए, फ्रंट बड़ा हैवी दिया हुआ है, बड़े खूबसूरत कलर्स यूज करे गए हैं फ्रंट में, तो ये आप देख लीजिए बहुत प्यारा सूट है,
पूरा आप देख रहे हैं, ये हैवी एम्ब्रॉयडरी है, रेशम है, जरी है, सीक्वेंस है, सब कुछ दिया हुआ है। प्लस ये चेक कर लीजिए मिडिल पैनल कितना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये हो गया दामन वाला पोर्शन, बहुत हैवी दिया हुआ है पूरा दामन का, वो आप देख ही रहे होंगे। प्लस जल्दी से मैं पैचेस दिखा देती हूँ, तो ये पैचेस देख लीजिए, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस है, ठीक है। और ये हो गया दामन का पैच, फ्रंट के दामन का पैच हो गया, ये हो गया बैक के दामन का पैच, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ, पूरी जाल वाली बैग दी हुई है, तो आप वो चेक कर लें। ये जाल वाली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पूरी बैग है, ठीक है, ये बैग हो गई। स्लीव्स देख लीजिए, लुक एट दीज ब्यूटीफुल स्लीव्स, ये देखें कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी दी है, लुक एट द कलर्स, कितने खूबसूरत कलर्स यूज किए गए। तो ये बैग हो गई और सॉरी स्लीव्स हो गई, और ये दुपट्टा इन्होंने दिया हुआ है डिफरेंट शेड का, ठीक है, मरून शेड का दुपट्टा दिया है। ये देख लीजिए आप बेल कितनी खूबसूरत बनी हुई है पूरी सब, ये देख लीजिए काफी हैवी बेले हैं, प्लस बीच में बूटे पड़ रहे हैं, तो ये आप चेक कर लें। 2.5 मीटर का दुपट्टा है, तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर 9। तो ये थे हमारे आज के 9 डिजाइन, ठीक है, ये टोटल हमारे 9 डिजाइन हो गए, 10 डिजाइन नहीं थे हमारे पास, 9 ही डिजाइन है। तो ये टोटल 9 डिजाइन है, कैसे लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक मेंशन है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊंगी एक जबरदस्त और गजब कलेक्शन के साथ। बाय।